पगड़ी पहना जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस प्रकार पवन ठाकुर जी का पगड़ी बनाकर तलवार देकर उनका करनाल में अभिनंदन किया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगत जानी जी, दीपक सारला जी, भाई जगदीश करवासरा जी, रमेश सैनी जी, डॉक्टर धोनलाल जी, रंजीत कौशिक जी, भाई विनोद बिरमल जी, श्री अमन शर्मा जी, श्री बालकृष्ण शर्मा जी, श्री राजकुमार जी भराड़ा, बाबा बलदेव जी, भाई रमन त्यागी जी, भाई दीप सैनी जी, श्री धर्मपाल आचार्य जी, पंकज जी, कबीर जी, मेरे बहुत ही प्रिय साथी भाई तेजपाल गर्ग जी, रमे राजेश अरोड़ा जी, गुलाब वाल्मीकि जी, राजेंद्र लांबा जी, संदीप जी, मदन शर्मा जी, अनिल जी, मंचा सिंह, उसके बाद चाहे पिता से मैंने बड़ी बड़ी रैलियां की हो करनाल में, यहाँ रैली बहुत बड़ी हमने की, लाखों की तादाद में आपने पाकर यहाँ पर चौधरी भजनलाल जी का साथ दिया और मुझे आशीर्वाद दिया। क्या भव्य का युवा सम्मेलन रहा हो करनाल में, हजारों की तादाद में पहुंच के आपने भव्य को आशीर्वाद दिया। क्या रेणुका का महिला सम्मेलन रहा हो, आपने हजारों की तादाद में माताओं बहनों ने पहुंचकर रेणुका को आशीर्वाद दिया। क्या मैंने रथ यात्रा करी हो, ट्रैक्टर यात्रा करी हो, अगर सबसे ज्यादा हरियाणा में कहीं भव्य मेरा स्वागत हुआ तो वो मेरे कर्ण के घर से करनाल में हुआ, जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जब भी मैं करनाल में आता हूं तो एक आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्यार मेरे मन में आता है, जो अपने परिवार के बीच में आता। उससे पहले वक्ता कह रहे थे कि संघर्ष करना चाहिए, कुछ दिन को फील्ड में निकलना चाहिए, ये चर्चा काफी समय से चल रही है। और मैं मन साथीगण, प्रेस के साहबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज इतने काम के समय में या पीक में काम कर रहा हूं, उसके बावजूद भी इतनी भारी तादाद में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो आप यहां पर पधारे हैं, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जब भी मैं करनाल आता हूं तो एक आत्मिक सुख मिलता है, एक पारिवारिक होने का एहसास होता है, क्योंकि जब जब मुझे मैंने संघर्ष किया और जब जब मुझे जरूरत पड़ी तो हमारे हार के बाद सबसे ज्यादा मुझे किसी ने दिल से आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, तो वो करनाल की जनता है, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना है। जब हमने पार्टी बनाई और जब पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा
तो सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी लोकसभा जाए तो करनाल जाए, हरबंस जाए, द्वारका से, ये आदमी प्यार अंतिम समय लोग मन से सब जगह स्वीकार करते हैं। आज मैं चैलेंज करता हूं मंच के माध्यम से, कोई मुझे बता दे हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसी राजनीतिक परिवार जो अपने स्टेट के अंदर हर इलाके के अंदर जीता। ये इस वजह से कि आपका प्यार आपका स्नेह हमारे बीच में रहा, हमने तो कई गुना आपको वापस किया। लेकिन साथियों तकलीफ होती है, आज इस प्रदेश का हाल जो चौधरी भजन लाल जी ने अपने खून पसीने से इस प्रदेश को खींचा था, आज इस भाजपा भाजपा सरकार ने आज हमारे हरियाणा प्रदेश को 10 साल पीछे धकेल दिया। आज क्या हालात है, क्या वो कर्मचारी है, क्या वो व्यापारी है, क्या वो अधिकारी है, क्या पत्रकार साथी बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, हर वर्ग आज इस सरकार की कारगुजारी से खुशी और तंग। क्या हालात देश का करके देख लिया, चुनाव होता है तो ये लोग बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, चुनाव खत्म हुआ आज 5 दिन में 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, क्या इसको तरक्की कहते हैं? नोटबंदी लागू की, देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमराए खत्म कर दिया, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन पूरा गलत था जिससे हमारी इकॉनमी हमारे कारखाने बंद हुए। परमाणु में जो नई ऊर्जा और नई शक्ति आज आपकी भीड़ ने दे दी, और मेरा वादा आपसे है कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े इस सरकार को जोड़ दो भाग के वही चौधरी भजन लाल जी का दौर में आपको वापस आ रहा है। आज हम करनाल के अंदर बैठे हैं, क्या मुख्यमंत्री का मिला होना चाहिए, कोई नई यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई, कोई नया एयरपोर्ट बड़ा यहाँ पर आया, कोई रोजगार यहाँ लोगों को मिले, इतने स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए ये अफसर डकार गए, इंडिकल कॉलोनियों के बना बना के अफसर पैसे डकार गए, रोजगार दर दर की ठोकरे खा रहे। अरे सरकार चौधरी भजनलाल जी की भी थी, मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी भी थे, चाहे वो करनाल रहा हो, धार रहा हो, या कोई भी जिला रहा हो, घर से बुला बुला के हमने रोजगार लोगों को दिए, झाप दवाए बात था। और यही कारण है कि चौधरी भजनलाल जी का परिवार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा परिवार नहीं कि जब राज्य के हर कोने से चुनाव जीता हो। आप फरीदाबाद उठाकर देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर है वहां चौधरी भजनलाल जी सांसद बने। आप भिवानी उठाकर देख लीजिए, जो दूसरा कोना राजस्थान बॉर्डर है वहां आपका भाई आपका बेटा सांसद बना। आप पंचकूला कालका उठाकर देख लीजिए, जो हिमाचल का बॉर्डर है वहां मेरा बड़ा भाई 4 बार विधायक बना। आप फतेहवाल और सोहाना देख लीजिए, जो पंजाब का बॉर्डर है चौथा वहां मेरा भाई आज भी विधायक है और मेरे पिताजी के भाई विधायक वहां पर है। आप करनाल को उठा लीजिए, जो क्या करती थी कि हम 1 करोड़ रोजगार हर महीने देंगे, आज करोड़ों रोजगार इस सरकार में आप जानती सरकार क्या इससे लोगों ने सरकार दी थी। लेकिन भाइयों कहीं ना कहीं इसमें मैं आप लोगों को भी जिम्मेवार ठहराता हूं, खुद को भी जिम्मेवार ठहराता हूं कि आपको मैं उस तरीके से आगाह नहीं कर पाया, लेकिन आपको जिम्मेवार इसलिए ठहराता हूं कि जब चुनाव आता है तो लोगों को ये पुरानी बातें सारे भूल जाते हैं, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये भ्रष्टाचार सब भूल जाते हैं, फिर कोई न कोई ये कुछ भाई से भाई रहने के बाद कोई हिंदू मुसलमान की बात कर देता है, कोई और बात कर देता है, उस बात पे बहकर फिर मोदी 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 करता है, उनको वोट आपके मिल जाते हैं। क्या ये हिन्दुस्तान की वजह से हमारे पूर्वजों ने आज हमारे हिन्दुस्तान को आजादी दिलवाई थी कि भाई से भाई पर लड़वाया जाए? इन लोगों का काम ये है कि देश को बांटो, भाई के भाई को लड़ाओ और अपने चुनाव जीतते जाओ, अपना वोट पूरा करते जाओ। साथियों आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन का एक यहां से एक प्रण लेके जाइए कि हम किसी हालत में इस देश को बढ़ने नहीं देंगे, हम किसी हालत में इस देश के से इस भाजपा सरकार के बाहर निकाल के फिर वही कांग्रेस पार्टी का अमन ज्ञान और शांति का हम राज लेकर आएंगे। एक प्रण आपको आज यहां पर लेकर जाना चाहिए। बात में बहुत लंबे जोड़े भाषण की बात नहीं, बहुत देर से आप बैठे हैं, मेरी आपसे पुनः प्रार्थना कि आज इस जोश उत्साह से आप यहां पर आगे आए, यही जोश और यही उत्साह आप यहां से अपने घर पर लेकर जाएं और अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने घर में जाते कुछ साल आपके बीच में नहीं रहा, लेकिन उससे पहले के मेरे संघर्ष को आप याद करिए। मैंने हर वर्ष तक प्रयास किया कि मैं आपकी आवाज बन सकूं, मैंने लाठियां तक खाई, आप जानते मेरे हाथ भी उठा, आप सबके लिए पैसे में लाठियां पड़ी, चाहे रथ यात्रा करी हो, ट्रैक्टर यात्रा करी हो, कुलदीप सरे के पास कार्यक्रम, हर वक्त मैंने प्रयास किया कि मैं आपकी बात कर सकूं। वो कमी जरूर आपको खलती होगी और वो मुझे भी खलती रहेगी, लेकिन 3 साल मेरी मजबूरी रही, मेरे गले का कैंसर मुझे हुआ, 3 साल मैं कैंसर का इलाज करवाता रहा, विदेश में आपके बीच में नहीं आ सका।
लेकिन मेरा दिल मेरी आत्मा आपके बीच में थी। तकलीफ होती थी मन में कि आपकी आवाज कोई नहीं बन रहा, आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही। दो साल कोविड रहा, कोविड का मामला रहा, आज जो आपके बीच में आए कार्यकर्ताओं की आवाज थी, वो कहते थे हम आपके हमारे इलाके में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं हमें वो पुराना कुलदीप बिश्नोई चाहिए जो दबंगता से खड़ा होकर सरकार को हराया करता था, जो सरकार को आईना दिखाया करता था, जो सरकार को चुनौती दिया करता था, वो कुलदीप बिश्नोई दोबारा मैदान में चाहिए। तो तब हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को मैंने पूरे हरियाणा के अंदर भेजा। मैं दिल से आभारी हूं मेरे हरियाणा की जनता का कि जहां जहां कमेटी के योगेंद्र लाल मल्होत्रा जी के राहुल गांधी से मुलाकात बड़ी सकारात्मक थी और हर बात को हर नेता को बहुत बढ़िया तरह उन्होंने सुना और हमें उम्मीद है कि जो कांग्रेस के हित में और जनहित में है वो फैसला उनका है। देखिए अंदर क्या बात है इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। सर लोकल नेता नहीं पहुंचे।